हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसके नए प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो उसके नए प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज होगा, ये रिएक्टेंट्स यानी कि जो रिएक्शन में भाग लेंगे उससे पूर्णतः अलग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। या फिर दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये एरो के इधर यानी कि एरो के लेफ्ट में जो होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एरो के राइट साइड में जो होता है इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एरो के लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट्स है और एरो के राइट साइड वाला प्रोडक्ट है। तो अब जान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, यानी कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज रिएक्टेंट्स। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस विच वॉज ऑब्टेंड एज रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि वैसा सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस जो हमें मिलता है रिजल्ट के रूप में किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जब दो सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया जाएगा तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जो नया सब्सटेंस मिलता है वही प्रोडक्ट होता है। अब जैसे कि देखिए ना, ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, वाटर बना दिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दो सब्सटेंस या फिर दो एलिमेंट्स कह लीजिए, तो ये दोनों जब रिएक्ट हुए तो वाटर बनाए, जब जो कि दोनों के प्रॉपर्टीज से अलग है। अब कैसे, सो मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है जो कि क्या करता है, जलता है। और ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक गैस है लेकिन ये कंबसन में मदद करता है, यानी कि ये जलाता है, ये जलता है और ये जलाता है, लेकिन दोनों मिलके पानी बनाता है जो कि जलने वाले को ही बुझाया जाता है और जलाने वाले को ही बुझाया जाता है। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में चेंज हो सकता है। अब देखते हैं ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब कि रिलीज ऑफ गैस, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, यानी कि अघुलनशील सॉलिड। अघुलनशील सॉलिड यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड क्या हुआ, कि जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुला है। तो जैसे कि एक इक्वेशन आता है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। इस रिएक्शन में BaSO4 जो है एक प्रसिपिटेट है और NaCl ये सोल्यूबल है वाटर में। NaCl मतलब कि साल्ट, और जो पानी में सोल्यूबल हो जाता है उसको हम लोग एक्वा सोल्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस पानी में सोल्यूबल होता है
उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आ गया कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या होता है, कि किसी भी रिएक्शन में जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ रिएक्शन में, नॉट ऑल बट सम, कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाते हैं चेंज इन कलर, यानी कि कलर के चेंजिंग में। तो जैसे कि अगले चैप्टर में आप लोग को एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ना है, तो ये बात उसमें पढ़ना है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ा नॉलेज के लिए, कि जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वह साल्ट प्लस वाटर देता है। अब एसिड और बेस, तो मान लीजिए कि हम लोग लिए H2SO4 और MgOH का होल ट्वाइस, तो इसका कलर सपोज कीजिए कि रेड है और इसका कलर ये मान लेते हैं कि ब्लू है, ठीक है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो जब न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा, यानी कि MgSO4 जो कि एक साल्ट है, तो ये इसका जो कलर होगा ये बन जाता है ग्रीन कलर का, यानी कि इसका कलर रेड था, इसका कलर ब्लू हो गया, और जब दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो कलर बन गए ग्रीन, यानी कि दोनों के कलर से पूर्णतः अलग। तो केमिकल रिएक्शन में कलर का भी चेंज होता है। अब चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी कि स्टेट का मतलब हुआ क्या, 9th में आप लोग पढ़े होंगे मैटर के 5 स्टेट, उससे पहले आप लोग पढ़ते थे मैटर के 3 स्टेट। तो 3 स्टेट का जरूरी है, 5, 4, 5 का यूज हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी तीनों का यूज किया जाता है। 4th और 5 जो प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट है उसका यूज नहीं होता है। तो इसमें स्टेट का चेंजिंग का मतलब हो गया कि जैसे गैस गैस मिलकर लिक्विड बना दिया, जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन H2O क्या है, ये एक लिक्विड है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन H2O एक लिक्विड है। तो दो गैस मिलके लिक्विड बनाया, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर इसका स्टेट गैसियस था ना दोनों का, लेकिन यहाँ पर चेंज होके लिक्विड में आ गया, तो स्टेट का चेंजिंग हुआ। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब कि किसी रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज होना, यानी कि ठंडा से गर्म हो जाना और गर्म से ठंडा हो जाना। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे व्हाइट वाशिंग जो होता है, तो व्हाइट वाशिंग में हम लोग जब चूना पत्थर जो होता है उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो बबल्स निकलते हैं, और उसको जब आप छू के उस टाइम देखिएगा नहीं, लेकिन आपको पता, जब आप उसके ऊपर ऐसे हैंड को रेज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ पर से हॉट एयर निकलता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर का चेंज हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर ये घर में जब वाइट वॉशिंग होता है तो वो बहुत दिनों तक रहता है और सेफ रहता है। तो इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का भी चेंजिंग होता है। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन तो देखे यहाँ से यहाँ तक, अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन उसको कहते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए सिंबल और फॉर्मूला की मदद से, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें, या फिर वैसा रिप्रेजेंटिंग जिसमें केमिकल रिएक्शन में जो सिंबल्स और फॉर्मूला, यानी कि जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसको हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग यहाँ से जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब ये Mg था मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में Mg लिखा जाता है, ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में O2। तो ये जो है दोनों का सिंबल और फॉर्मूला हो गया, और देता क्या है 2MgO, यानी कि ये इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहने दीजिए, 2 का अभी काम नहीं है, वो बैलेंसिंग के लिए देखा जाता है तब यूज करेंगे उसका। तो ये क्या देता है, MgO देता है। तो
तो यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या चीज से दिखाए, यहाँ पे तो हम लोग का वर्ड इक्वेशन था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिक इक्वेशन हो गया मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, पहला बैलेंस्ड इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन वैसा इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों का मास आपस में बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको, वैसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के मास आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने इसी इक्वेशन को यहाँ पर वर्ड से समझाया, यहाँ पर सिंबल से समझाया, अब इसको हम लोग बैलेंस करके देखेंगे कि बैलेंस कैसे होगा। तो ये अपना मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन था, अब हमको इधर फॉर्मूला दे रहा था ये MgO का। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दो था लेकिन यहाँ पे MgO2 नहीं होता है। नाइन्थ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर बाद में टू सिर्फ CO2 या फिर कुछ एक्सेप्शन है जिसमें की लगाया जाता है बाद में यहाँ पे O2, तो इसके लिए MgO2 हम लोग लिख नहीं सकते थे, तो यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे। तो टू लगेगा कहाँ, तो टू आगे लगेगा, और जब टू आगे लगेगा तो टू ओ से भी इंटू होगा, टू एम से भी, एम जी से भी इंटू होगा। तो ये तो ओ टू कर दिया इधर, यानी कि यहाँ पे ओ टू था, ये रिएक्टेंट साइड दो ऑक्सीजन, उधर दो चाहिए था तो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया टू, तो ये टू इसके साथ जाके दो ऑक्सीजन की पूर्ति किया। अब मैग्नीशियम यहाँ पे बढ़ के दो हो गया, अब मैग्नीशियम यहाँ पे जब बढ़ के दो हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे तो पहले सिंगल ही मैग्नीशियम था जिसे कि आप यहाँ देख रहे, अब जब इसका हमको चाहिए दो बनाना है तो यहाँ पे हम लोग टू लगा देंगे, तो इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ साइड में देखिए, जैसे हमारा था H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ओके। अब देखिए अब यहाँ कितना है, हाइड्रोजन दो है, ये रिएक्टेंट का बात कर रहे हो, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ कितना एक है, तो एक को दो बनाना होगा। अब एक को यदि दो बनाना है तो यहाँ हमको पता है कि नहीं लगेगा, अब यहाँ यदि नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, आगे लगेगा, तो आगे जब लगा तो ये तो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ गया टू, टू गया ऑक्सीजन के साथ तो ओ टू तो कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दो पहले से ही था, हाइड्रोजन को जरूरत नहीं थी, लेकिन ये जब इसके साथ जाएगा तो हाइड्रोजन के साथ भी जाएगा, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बना दिया, इसने चार हाइड्रोजन कर दिया चार, तो इसके लिए यहाँ पे कितना है, दो हाइड्रोजन, यानी कि दो हमको और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग टू लगा देंगे, तो यहाँ चार हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हो गए, दो ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन, तो ये चीज क्लियर हो गया। और एग्जाम में भी आप जब भी लिखिए इक्वेशन तो उसको कोशिश कीजिए कि हमेशा बैलेंस कर दिया कीजिए। तो इक्वेशन बैलेंस करना इसके लिए जरूरी है क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रिजर्व करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे ना ही तो बन रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, बस दोनों तरफ का बराबर हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान आप लोग रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी तक बैलेंस्ड इक्वेशन तक देख चुके हैं, अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन शुरू करते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है कि वैसा इक्वेशन जिसमें अनइक्वल नंबर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो नंबर होता है वो इक्वल नहीं होता है। जैसा कि मैंने बैलेंस में समझाया था कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन था तो दो यहाँ पे तो है, और ऑक्सीजन दो था तो दो नहीं है इधर प्रोडक्ट साइड में, तो उसको बैलेंस किए थे हम लोग, लेकिन इसमें इसी फॉर्म में रह जाएगा। और इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट सीधा इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब
मैंने जो आपको बताया था कि टेम्परेचर का चेंज होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शन के, तो उसमें देखिए टेम्परेचर के चेंजिंग के आधार पर दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक इंडोथर्मिक दूसरा एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होता है? वो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, हीट एब्जॉर्ब हो यानी कि रिलीज नहीं होगा, एब्जॉर्ब होगा यानी कि खुद ही में समा जाएगा ही, तो उसी रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि CaCO3 गिव CaO+CO2, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको आगे पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये एग्जाम्पल को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये बात याद रख लीजिएगा कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सारे इंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि उनमें हीट रिलीज नहीं होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। और दूसरा जो टाइप आ जाता है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था चूना पानी वाला, कि चूना को जब पानी में डालेंगे तो हीट रिलीज होता है यानी कि हीट पता चलता है, तो वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि जिसमें हीट रिलीज हो। फिर आप एसिड को यदि आप बेस से रिएक्ट करवाइएगा तो उसमें भी जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीकर हल्का गर्म हो गया है, ज़्यादा नहीं हल्का गर्म हो जाता है बीकर, तो इससे पता चलता है कि इसमें हीट का रिलीज होता है, और इसीलिए ये इक्वेशन एक्सोथर्मिक इक्वेशन हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।